धीरे के साथ बदलते भारत की शान। भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है, इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाई। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 1 नवंबर 2020। दो बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। मसाला इंडिया के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, मसाला इंडिया में मैं श्वेता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मसालों की हमारी खुशबूदार दुनिया में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा मसाला जिसका इस्तेमाल भारतीय रसोई में खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। ये डाइजेशन के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज भी है। कई लोग इसे माउथ फ्रेशनर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेद में भी इस मसाले को विशेष महत्व दिया गया है और बेहद खुशबूदार और स्वादिष्ट, हर एक भारतीय के दिल में बसने वाले मीठे पान तो इसके बिना बन ही नहीं सकते। जी हाँ, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं सौंफ की। सौंफ का इस्तेमाल सब्जी में मसाले के तौर पर किया जाता है। मसाले के तौर पर सौंफ का इस्तेमाल अचार और मुरब्बों में भी होता है। कढ़ी एवं सूप में भी लोग सौंफ का प्रयोग करते हैं। खाने में छौंक लगाने में भी सौंफ काम आता है। नमकीन चीजों के साथ ही मीठी चीजों में भी उनका स्वाद बढ़ाने के लिए सौंफ मिलाया जाता है। सौंफ की तासीर ठंडी होती है, अतः गर्मी के मौसम में ठंडाई बनाते समय उसमें सौंफ भी डालते हैं। प्रारंभिक संस्कृत लेखन में सौंफ को मधुरिका के रूप में जाना जाता था और माना जाता है कि भारत में इसकी खेती कम से कम 2000 ईसा पूर्व से की जा रही है। प्राचीन यूनानियों के लिए सौंफ ने सफलता का प्रतिनिधित्व किया और इसे मैराथन कहा गया। रोम के लिए भी सौंफ सफलता का प्रतीक था और सौंफ के पत्तों का इस्तेमाल खेलों में विजेताओं के ताज को बनाने में किया जाता था। निवेशक सौंफ को अपने साथ भारत और अंग्रेजी राज की कॉलोनीज मिले गए, जहां ये उनकी रसोई और बगीचों का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। सौंफ गाजर परिवार में एक फूल वाले पौधे की प्रजाति है। ये एक बारहमासी जड़ी बूटी है जिसमें पीले फूल और पंखदार पत्तियां होती हैं। वैसे तो सौंफ की उत्पत्ति भूमध्य सागर के किनारों और पुर्तगाल में हुई, लेकिन आज दुनिया के कई हिस्सों में इसे व्यापक रूप से उपजाया जाता है। सौंफ को मुख्यतः अर्जेंटीना, बुल्गारिया, डेनमार्क, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, भारत, इटली, जापान, रोमानिया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में व्यापक तौर पर उगाया जाता है। सौंफ का इस्तेमाल भारतीय रसोई और व्यंजनों में व्यापक तौर पर किया जाता है। आज भारत विश्व में सौंफ का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। देश में कई ऐसे राज्य हैं सौंफ का अधिक मात्रा में जहाँ उत्पादन होता है। भारत में सौंफ राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा के कुछ भागों में उपजाई जाती है।
सौंफ की खेती सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है जो कि कार्बनिक पदार्थों से भरपूर हो। सौंफ की खेती के लिए सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी काली कपास की मिट्टी और दोमट मिट्टी होती है, जिसमें सौंफ की फसल की व्यावसायिक खेती अच्छे से की जा सकती है। सौंफ के लिए खेत में जल निकासी की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। सौंफ के लिए खेतों को तैयार करने के लिए 3 से 4 जुताई हल या कल्टीवेटर से ही की जानी चाहिए, जिसके बाद खेत को समतल बनाकर पट्टा लगाते हुए एक सा बना लिया जाता है। आखिर में 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद मिलाकर खेत को पाटा लगाकर समतल कर लिया जाता है। सौंफ के लिए प्रति हेक्टेयर लगभग 9 से 12 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। बुवाई करने के भी कई तरीके हैं, जैसे छिटक कर या फिर सीडर की मदद से या फिर नर्सरी में पौधे उगाकर खेतों में लगाना। परंतु कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार सौंफ को नर्सरी में उगाकर खेतों में बोया जाना चाहिए, जिसके लिए 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत पड़ती है। नर्सरी में बीजों को जून या जुलाई के महीने में बोया जाता है। बोने के 5 से 6 सप्ताह के बाद इन पौधों को खेत में लगाया जाता है। इस विधि से बुआई करने पर किसानों को अधिक और अधिक गुणवत्ता वाली सौंफ प्राप्त होती है। रोपाई करते समय लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। ये शीत ऋतु की फसल है और इसकी बुआई सितंबर के मध्य में की जाती है। वैसे इसकी बुआई के 2 तरीके हैं। जुलाई अगस्त में इसकी पौधरोपण करके या नर्सरी बना करके भी इसकी बुआई की जाती है, और डायरेक्ट सोइंग करनी हो या सीधी बुआई करनी हो तो सितंबर के मध्य तक हम कर सकते हैं। बलुई मिट्टी को छोड़ करके लगभग सभी प्रकार की मृदाओं में इसकी खेती की जा सकती है। बुआई का जो तरीका है वो किसान कई बार छिटकवा विधि से भी काम में लेते हैं, लेकिन हम वैज्ञानिक समुदाय वाले लोग वैज्ञानिक इस विधि को थोड़ा डिस्करेज करते हैं और हम लाइन सोइंग को तरजीह देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, जिससे कि खेत में आगे हम दवाई इत्यादि छांटना हो या खरपतवार निकालना हो उसमें आसानी रहती है। और इसके लिए मुख्य रूप से 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे हम कतारों में बुआई करते हैं और लगभग 2-3 सेंटीमीटर गहराई पे इसके बीज को हम रखते हैं कुंडों में, जो फरोज बोलते हैं जिनको हम, उसके अंदर इसकी बुआई करते हैं। और बीज की गहराई ज़्यादा नहीं है, इसके लिए हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। महीन बारीक सीड होने से अगर गहराई ज़्यादा हो गई तो उगने में इसकी समस्या आती है, उगने में परेशानी हो सकती है, इसलिए इसकी बुआई के टाइम पे इसकी गहराई का विशेष ध्यान रखें। भारत विश्व में सौंफ का सबसे बड़ा उत्पादक है और आज सौंफ की कई ऐसी वाणिज्यिक किस्में हैं जो किसान को कम लागत में अधिक पैदावार मुहैया कराती हैं। सौंफ की कुछ प्रचलित किस्में हैं RF101, RF125, RF35, गुजरात फेनिल 1 और CO1। सौंफ की फसल को कई बीमारियों से भी बचाना पड़ता है जिससे पैदावार अच्छी हासिल की जा सके। मसाला फसलों में और जो दूसरी फसलें हैं उसके साथ साथ इसमें थ्रिप्स और मोइला, जिसको बोलते हैं एफिड, ये इसके मुख्य कीट हैं जो इसको नुकसान पहुंचाते हैं। मोइला जैसा कि हम जानते हैं सर्दी की जो भी फसलें हैं उसमें भी और अन्य फसलों में नुकसान करते हैं, उसी प्रकार सौंफ में भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। एक लसलसा पदार्थ स्रावित करते हैं और उस लसलसे पदार्थ के कारण सौंफ का जो पौधा है वो काला पड़ जाता है, उसके ऊपर सेप्रोफाइट्स या दूसरी अन्य फफूंदें आ जाती है और उसके कारण पत्तियां काली काली पड़ जाती है, उसकी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी क्षीण हो जाती है। इस हिसाब से इसके कारण इसमें उत्पादकता काफ़ी कम हो जाती है, तो एक तो इसमें ये समस्या रहती है और एक थ्रिप्स के कारण भी इसमें थोड़ी समस्या आती है। ये दोनों कीट इसके मुख्य कीट हैं और इनके नियंत्रण के लिए हम डाइमेथियोड रोगोर 1 ml पर 30 EC 1 ml पर लीटर के हिसाब से
या फिर मेलाथियन, इसके लिए काफ़ी उपयुक्त कीटनाशी हम काम में ले सकते हैं। और रही बात अगर व्याधियों की, तो इसमें दो तीन प्रमुख रूप से व्याधियाँ इसको इसकी खेती में योगदान का काम करती है। एक तो सर्वप्रथम पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको हम छाछे रोग बोलते हैं, लगभग 60-70 दिन की अवस्था पे पुष्प आने के समय इसमें या पुष्प आने के बाद इसमें सफ़ेद रंग का चूनी फफूंद इसकी शाखाओं पे, टहनियों पे और पत्तों पे आ जाता है, देखने को मिलता है। उससे भी उसकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो उसके नियंत्रण के लिए हम गंधक के 20 से 25 किलो गंधक चूर्ण या फिर 0.1% घुलनशील गंधक का छिड़काव कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें रेमुलेरिया ब्लाइट की भी समस्या रहती है। रेमुलेरिया ब्लाइट 60-70 दिन बाद फसल में ये देखने को मिलती है, और पत्तियों की नीचे की, पौधे की नीचे की पत्तियां होती है, उस पर ग्रे या पीले रंग के धब्बे प्रकट होते हैं और उससे उपज प्रभावित होती है। तो उसके लिए हम 0.1% कार्बेंडाजिम या 0.25% डाइथेन-M45 का स्प्रे करके इस बीमारी को नियंत्रित कर सकते हैं। मसाला इंडिया में अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी जारी रखेंगे सौंफ के हमारे सफर को। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। वेलकम बैक। चलिए आगे बढ़ते हैं और मीठी सी सौंफ के बारे में कुछ और रोचक बातें जानते हैं। सौंफ की फसल आमतौर पर 170 से 180 दिनों में परिपक्व हो जाती है। बीजों को पूरी तरह से विकसित और परिपक्व होने पर, लेकिन हरे रंग का होने पर ही जुताई करके कटाई की जाती है। कटाई की अवधि 1 महीने की होती है। हर 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार कटाई की जाती है। औसतन सौंफ की पैदावार प्रति हेक्टेयर 9 से 10 क्विंटल होती है। कम से कम 7 बार सिंचाई करनी पड़ती है। एक दफ़ा तो हम पहले जब सौंफ लगाते हैं, पहली दफ़ा तो वो हो जाती है, फिर 10 दिन बाद फिर सिंचाई करते हैं, फिर महीने भर बाद फिर से सिंचाई होती है, उसके बाद में 3 बार सिंचाई और करनी पड़ती है जब वो फसल पक के तैयार होती है। जब वो पक जाती है, दाना ठोस हो जाता है, पक जाती है, तब हमें भाई अब ये फसल पक चुकी, तब कटाई करते हैं। सौंफ के बीज को कटाई के बाद सुखाया जाता है, जिसके बाद इसकी सफाई और ग्रेडिंग की जाती है। सौंफ के बीजों को सबसे पहले 1 से 2 दिनों के लिए धूप में सुखाया जाता है और फिर 8 से 10 दिनों तक छाया में रखा जाता है। सौंफ को ज्यादा समय तक धूप में सुखाने से उपज की रंगत एवं गुणवत्ता कम हो जाती है। सुखाने के बाद सौंफ के बीज को हाथों या मशीन की मदद से साफ किया जाता है। साफ किए गए बीजों को फिर उसकी गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। और फिर मंडी में ले जाने के लिए जूट के थैलों में पैक किया जाता है। इसके बाद किसान अपनी उपज को लेकर पहुंचते हैं मंडी, जहां पर इसकी गुणवत्ता और मांग के अनुसार इसकी खरीद फरोख्त होती है। हमारे यहां पर सीजन के अंदर मार्च अप्रैल में 2000 से 2500 बोरी के आसपास सौंफ की आमद होती है, जो कि करीबन 1000 से 1200 क्विंटल के आसपास इसका वजन बैठता है। सौंफ की गुणवत्ता हम उसके दाने के आधार पर, कलर के आधार पर, वजन के आधार पर आंका करते हैं। सौंफ का भाव मंडी में 3500 रुपये से लगा के 5500 रुपये तक का भाव रहा करता है। अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से भाव कोड हुआ करते हैं।
मंडी में किसान अपनी उपज की बाजार की तेजी और सौंफ की गुणवत्ता के आधार पर बिकवाली करते हैं। जैसे ज्यादातर थ्रेसर में निकालते हैं, थ्रेसर में क्वालिटी अच्छी नहीं बैठती है, जैसे उनको तोड़ते हैं तो मजदूरी ज्यादा पड़ती है, इसलिए सीधा थ्रेसर में निकालते हैं काट के, तो उसमें क्वालिटी सही नहीं बैठती है, सफाई रफ्फी ज़्यादा आती है उसमें। और ये 8-10 बोरी करीब बीघे की पैदावार बैठती है। मंडी से सौंफ पहुंचती है फैक्ट्रीज में, जहां मांग के अनुसार सौंफ से कई उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे कि सौंफ का पाउडर, खाने के लिए छोटे दानों वाली सौंफ, और सबसे महत्वपूर्ण, सौंफ से निकाला जाता है एसेंशियल ऑयल। सौंफ के बीजों से निकाले गए एसेंशियल ऑयल का उपयोग कॉर्डियल्स के निर्माण के लिए किया जाता है। इसके अलावा साबुन और शैम्पू जैसे टॉयलेटरीज में एक सुगंधित एजेंट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग और कन्फेक्शनरी उद्योगों में सौंफ के तेल का इस्तेमाल स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। यूं तो सौंफ की गिनती मुख्य रूप से मसालों के रूप में की जाती है। उसका उपयोग अचार, मुरब्बे आदि बनाने में और सब्जियों में खुशबू और स्वाद बढ़ाने में किया जाता है। इसकी मीठी खुशबू और स्वाद सभी को बहुत अच्छी लगती है। खाना खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ और मिश्री मुंह में रखकर चबाने का तो अलग ही मजा है। लेकिन सौंफ एक बेहद महत्वपूर्ण औषधि भी है, जिसका सदियों से उपयोग घरेलू नुस्खों में किया जा रहा है। दरअसल सौंफ में कई तरह के विटामिन, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं। सौंफ एनीमिया के उपचार में उपयोगी है। अपच को ठीक करने के लिए सौंफ सबसे अच्छे उपचारों में से एक है। सौंफ का उपयोग एक एंटी फ्लैटुलेंट एजेंट के रूप में भी किया जाता है। सौंफ का उपयोग कब्ज, दस्त, गुर्दे की शूल, श्वसन संबंधी विकार और मासिक धर्म संबंधी विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। सौंफ का उपयोग आँखों की देखभाल के लिए भी किया जाता है। ये त्वचा और बालों की देखभाल करने में मदद करते हैं। सौंफ न सिर्फ टूटते बालों के लिए घरेलू औषधि है, बल्कि ये त्वचा को एक्सफोलिएट करने में भी प्रभावी है। सौंफ में एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा को मॉइस्चराइज करता है और फंगल इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। सौंफ में हाइड्रेशन पावर होता है, जो स्कैल्प के पीएच को बैलेंस करने में मदद करता है। तो देखा आपने सौंफ कितनी गुणकारी है। चलिए अब हमारे वैद्य जी से जानते हैं आयुर्वेद में सौंफ की उपयोग कौन कौन से विकारों में किस प्रकार किया जाता है। सौंफ जो है प्राय भारत के काफी जगह पाई जाती है। इसका पत्ता जो है कटदार होता है और जो इसके बीज होते हैं, जो सौंफ जो होते हैं, वो एक डंटल से में लगते हैं। और इसका जो उपयोग है वो आयुर्वेद के औषधियों में भी होता है। इसको डेली रूटीन में मुख की दुर्गंधी को दूर करने के लिए भी करते हैं। भोजन के बाद भी इसका इस्तेमाल किया जाता है खाने के लिए। शीतल है, मूत्र को शुद्ध करती है, मूत्र अगर में जलन होती है तो उसको ठीक करती है। आमाशय की गर्मी को अम्ल पित्त के लिए अच्छी है। लिवर के लिए यकृत और प्लीहा की बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है। अनेक औषधियों में सौंफ का इस्तेमाल होता है और प्रायः हम अपने घर में सौंफ को इस्तेमाल करते हैं, भोजन के बाद में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन औषधीय रूप इसका बहुत है। आयुर्वेद के मुताबिक इसको अम्लपित्त की बीमारियों में, लिवर यकृत और प्लीहा की बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका अर्क बनता है, जो बच्चों को पेट दर्द के लिए दिया जाता है, अर्क अजवाइन, यानी अर्क सौंफ का अर्क, तो वो भी पेट दर्द में बच्चों को दिया जाता है। कई दफ़ा पेशाब में जब जलन हो जाती है, पेट में आमाशय में जलन होती है, तो भी इसका जो हम रस इसको देते हैं इसके निकाल के। और विशेष करके इसका डेली रूटीन में हम घर की किचन में भी इस्तेमाल करते हैं, मसाले के रूप में भी और औषधि रूप में भी। मसाला इंडिया में रुकते हैं अभी एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम फौरन हाजिर होते हैं। बचेगी फसल,
मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। वेलकम बैक, मसाला इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सौंफ यूं तो हर व्यंजन के स्वाद और खुशबू को कई गुना बढ़ा देती है, लेकिन कुछ ऐसे खास व्यंजन भी हैं जो सौंफ के बिना बन ही नहीं सकते। चलिए आपको लेकर चलते हैं हमारे शेफ के पास और उनसे जानते हैं सौंफ से बने एक स्वादिष्ट व्यंजन को बनाने की विधि। फेनल, जिसको हम हिंदी में सौंफ कहते हैं, उसको हम ड्राई भी यूज़ करते हैं और उसको हम फ्रेश भी यूज़ करते हैं। ड्राई का यूज़ हम अपने क्यूजिन में अचार में करते हैं, पंचफोरन मसाला बनता है उसमें करते हैं, और कुकिंग में यूज़ होता है अलग अलग स्पाइसेस जो हमारे ब्लेंड्स बनते हैं उसके अंदर हम फेनल को यूज़ करते हैं। और जो फ्रेश फेनल है उसका बल्ब बेसिकली सैलड्स में यूज़ होता है, उसको नाइस अगर आप कैरमलाइज करें तो इट गोज़ रियली वेल विथ फिश। और उसके जो शेविंग्स हैं वो हम सैलड में यूज़ करते हैं, मीट्स के साथ फ्रेश फेनल का यूज़ होता है। मतलब बोले तो अगर दोनों जगह हम यूज़ करते हैं फ्रेश और ड्राई फेनल को। सीड्स जो है हमारे स्पाइसेस में ब्लेंड्स में यूज़ होता है, पाउडर भी उसका यूज़ होता है, और जो फ्रेश फेनल है वो सैलड्स में यूज़ होता है और एकम्पनीमेंट्स में यूज़ होता है, फ़िश के साथ, चिकन या मीट के साथ। पर अभी जो मैंने फेनल का यूज़ किया है, मैंने फेनल से कबाब बनाया है जो कि दही और सौंफ के कबाब है, जिसको मैंने एप्रिकोट जैम से स्टफ किया था। इसमें मैंने हंकर्ड ली थी, हंकर्ड के साथ मैंने चॉप जिंजर, चॉप ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर को ऐड किया। अभी इसमें हम इलायची पाउडर डालते हैं, बट मैंने यहाँ पे सौंफ का पाउडर यूज़ किया ताकि एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, डोमिनेटिंग फ्लेवर हम सौंफ का दें। और मैंने जो जैम बनाई थी एप्रिकोट की, उसमें मैंने रोस्टेड फेनल सीड्स डाले, और उसमें स्टफिंग में मैंने रोस्टेड फेनल सीड्स को यूज़ किया। जब प्रेजेंट किया, प्रेजेंटेशन के टाइम मैंने बीटरूट डाला था, बट आप इसमें फेनल की शेविंग्स और फेनल का सैलड भी यूज़ कर सकते हैं। बेनिफिट्स फेनल के बहुत ज़्यादा हैं और हमारे क्यूजिन में हम उसको हर जगह यूज़ करते हैं, स्पाइसेस, पिकल्स, ब्लेंड्स में हर जगह उसका यूज़ होता है फेनल का। अभी जो मैं डिश बनाने वाला हूँ वो है दही और सौंफ के कबाब। दही और सौंफ के कबाब में मैं जो मेन बेस रहेगा मेरा कबाब का वो है दही, जो कि हमने हैंग किया है 2 से 3 घंटे और उसका हमने मॉइस्चर निकाला है और हमने सॉलिड रखा है ताकि वो बाइंड हो जाए। जनरली यही दही हम कबाब्स में भी यूज़ करते हैं, मैरिनेशन में भी काफ़ी यूज़ होती है। और जो इसमें हमारा मेन इन्ग्रीडियंट रहेगा, जो मेन स्पाइस रहेगा वो है फेनल। फेनल को हमने ब्रॉयल किया है, हमने इसको क्रश किया है, तो हमने यहाँ पे 2 फॉर्म्स में फेनल को यूज़ करेंगे। एक जो है कि होल सीड्स रहेंगे और दूसरा है पाउडर। और अभी मैंने इसके स्टफिंग के लिए बनाई है एप्रिकोट जैम। मैंने एप्रिकोट लिया है मार्केट में, जो ड्राई एप्रिकोट आता है उसको मैंने कुक किया स्लो हीट पे लगभग 1 से 1.5 घंटे तक। उसके बाद उसको हमने प्यूरी करा है। जो एप्रिकोट की प्यूरी है थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी में है और ये हम दही के कबाब की स्टफिंग में यूज़ करेंगे। तो दही के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैं हंग योगर्ट, थोड़ा सा चॉप कोरिएंडर, फेनल सीड्स को हमने पैन पे ड्राई करके पाउडर बनाया है, स्पून ऑफ मिल्क पाउडर और थोड़े से ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स मैंने इसलिए यूज़ किए हैं, ये बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। जब हम कबाब को बनाएंगे तो ये बाइंडिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। अभी जैसे ये मिक्सचर मैं बना रहा हूँ, आई कैन फील कि इसमें भी बाइंडिंग नहीं है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। तो अगेन इसमें बाइंडिंग चेक करने के लिए और मेक श्योर कि इसमें प्रॉपर बाइंडिंग हो, हम इसमें और थोड़े से ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। सी नाउ, आप देख सकते हैं कि कैसे आराम से अभी ये बाइंड हो गया है और इजीली ग्लव से चिपक भी नहीं रहा है। तो इट शोज दैट कि इसमें पूरी प्रॉपर बाइंडिंग आ गई है। बट
मेक श्योर जब आप इसको कुक करें, कुक करने से पहले एक बार इसमें सीजनिंग चेक कर लें कि अगर इसमें सॉल्ट या आपने जो फेनल पाउडर डाला है वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है या नहीं है। डिपेंड करता है, अगर आप इसको इवेंट में सर्व कर रहे हैं तो आप जो टिक्की का साइज़ है छोटा रख सकते हैं, और अगर आप मेन्यू में सर्व कर रहे हैं तो इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। दही और सौंफ की जो टिक्की है वो रेडी हो चुकी है, और उसमें जो हमने स्टफिंग यूज़ की है वो है एप्रिकॉट जैम, जिसके अंदर मैंने होल फेनल सीड्स ऐड किए हैं। अभी मैं इसको शैलो फ्राई करूँगा, आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, बट अगर आप इसको फ्राई करें तो मेक श्योर इसके अंदर बाइंडिंग के लिए आपको थोड़े एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स डालने पड़ेंगे। बट मैं जो अपनी जो कबाब है दही का, मैं उसको शैलो फ्राई करूँगा, और शैलो फ्राई करने से पहले हल्का सा मैं उस पर ब्रेड क्रम्स डस्ट करूँगा ताकि एक नाइस क्रंच आए उसके ऊपर। अभी जैसे कि आपने देखा दही के कबाब रेडी हो चुके हैं, अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करने के लिए मैं यूज़ करूँगा देसी घी। दही के कबाब काफ़ी स्टफिंग यूज़ कर सकते हैं आप इसमें, ज़रूरी नहीं है कि आपको एप्रिकॉट ही यूज़ करना है, मैंगो चटनी डाल सकते हैं आप उसके अंदर। हम थोड़ा सा मॉडर्न करते थे, हम बेरी की चटनी डालते थे उसमें, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी चटनीज डालते थे हम दही के कबाब में। तो कभी भी अपने आप को इनोवेशन से रिस्ट्रिक्टेड नहीं करना चाहिए, आई बिलीव दैट। थोड़ा सा टेक्निकल है दही का कबाब, जब आप दही का कबाब बनाते हैं, टेक्निकल इसलिए है क्योंकि इसमें बाइंडिंग बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंटेशन पार्ट है, ठीक है। माई फेवरेट पार्ट इज़ अ प्रेजेंटेशन, तो अभी हम प्रेजेंट करेंगे दही और सौंफ के कबाब। मैंने गार्निश के लिए बीटरूट के थोड़े से स्ट्रॉज निकाले हैं, बीटरूट को हमने थिन स्लाइस करके उसको नाइफ से फाइन जूलियंस किया है, जो कि मेरे कबाब की गार्निश रहेगी। बीटरूट के बाद फाइनली हम इस पर डालेंगे कोरिएंडर स्प्रिक, और हमारे दही और सौंफ के कबाब रेडी। दोस्तों, सौंफ का पानी आमतौर पर शिशुओं को दवा के रूप में दिया जाता रहा है, इससे खाने के स्वाद और खुशबू को बढ़ाया जा सकता है, और तो और कई तरह की बीमारियों में भी सौंफ का इस्तेमाल गुणकारी है। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारे ये अंक पसंद आया होगा। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे एक और लाजवाब मसाले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।